दोस्तों बचपन में आपने भी डोरेमोन, शिनचान और निंजा हथौड़ी इस जैसे कार्टून्स को देखा होगा और आपको ये बहुत ही पसंद होंगे। लेकिन क्या आप जानते कि कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे जिनको कुछ चीज़ों की वजह से बैन कर दिया गया था, और आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं नंबर वन से। दोस्तों डोरेमोन का एक ऐसा भी एपिसोड था जिसमें बच्चों को शराब पीते हुए दिखाया था, और जाहिर सी बात है कि डोरेमोन को हर बच्चा देखता है और इसी की वजह से लोगों ने इस एपिसोड को बैन करने की मांग उठाई थी। लेकिन डोरेमोन का यही एक एपिसोड नहीं है जो कॉन्ट्रोवर्शियल था। इसके साथ एक और एपिसोड था जिसका नाम था टॉय सोल्जर, और इस एपिसोड को बहुत बार एडिट किया गया था और कई सारी चीज़ें थी जिनको सेंसर किया गया था, क्योंकि इस एपिसोड में ऐसी खतरनाक चीज़ें दिखाई गई थी जिसके बारे में बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। और जो पुराना डोरेमोन था जो 1979 के टाइम पर आता था, उसमें एक एपिसोड को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि उसमें हिटलर को दिखाया था। दोस्तों नंबर दो पे आता है शिनचान। अब आप सोचेंगे कि शिनचान जैसे करेक्टर में कौन सी एडल्ट बात हो सकती है, तो आपको बता दें कि शिनचान भले ही दिखने में छोटा सा बच्चा लगता हो, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे एडल्ट जोक्स होते हैं जो सिर्फ बड़े लोग ही समझ सकते हैं। इनका छोटे बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। यही नहीं बल्कि शिनचान को कई बार नंगा भी दिखाया जा चुका है, और शिनचान के कुछ एपिसोड्स तो ऐसे हैं जिनको बार बार एडिट करके कट करना पड़ता है। इतना कट करना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि इतना कट करने से अच्छा है कि इस एपिसोड को दिखाए ही नहीं। नंबर तीन, पोकेमोन इलेक्ट्रिक सोल्जर बॉडीगार्ड। दोस्तों पोकेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जिसको देख के कई सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि एपिसोड में ऐसा क्या हो सकता है जिससे बच्चों को हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा होगा, तो आपको बता दें कि इस एपिसोड में बहुत सारी ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि ब्लू, रेड और इसी तरह के लाइट्स का कॉम्बिनेशन बनने की वजह से बच्चों को चक्कर आना, आंखों की प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। नंबर चार, स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स। दोस्तों इस कार्टून को दुनिया भर में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसके एक एपिसोड में स्पॉन्जबॉब और उसके दोस्त नाइट आउट पार्टी के लिए निकल जाते हैं, और उसके बाद वो एक लड़की के घर में घुस जाते हैं, और उसके घर में घुसने के बाद उस लड़की की ऐसी ऐसी चीज़ें चुराते हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी देखना अलाउड नहीं होता है, और इसी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। नंबर पाँच पे ऐसा कार्टून है जिसको साउथ पार्क सुपर बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, लेकिन ये कार्टून इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना बाहर के देशों में है, और शायद ही कभी आपने इस कार्टून का नाम सुना होगा। लेकिन इस कार्टून में बहुत सारे रिलीजन्स के ऊपर मजाक उड़ाया गया है, और इसका एक एपिसोड है जिसमें दुनिया भर के मेजर रिलीजन्स के भगवानों को आपस में फ्रेंड दिखाया है और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करते हुए दिखाया है। इसी वजह से इस एपिसोड को बैन किया गया था। नंबर सिक्स, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। दोस्तों एक ऐसा कार्टून है जिसमें एक बच्चा बहुत तरह तरह के आविष्कार करता है, और ये एक बार एक ऐसी मशीन बनाता है जो दुनिया भर से रूडनेस खत्म कर देता है, और ये सबसे पहले उसका टेस्ट अपनी बहन पर करता है जिससे उसकी बहन की रूडनेस खत्म हो जाती है। लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी बहन के बाकी सारे क्लोन्स बन चुके हैं, और उसके बहन की सारे रूडनेस उन क्लोन्स के अंदर चली गई है। इतनी रूडनेस थी कि उसको एपिसोड में दिखाया भी नहीं जा रहा था। नंबर सेवन, पेपा पिग। दोस्तों इस कार्टून के एक एपिसोड में पेपा पिग के पापा उसको एक स्पाइडर से दोस्ती करना सिखाते हैं, और ऐसा सिखाते हैं कि स्पाइडर्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते हैं। और इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद इसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पाइडर्स की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सबसे पहले इसको बैन करने की मांग की, उसके बाद इंडिया में भी ये एपिसोड बैन हुआ था। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इन एपिसोड्स को बैन क्यों किया गया था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।